तो नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी कैपिटल पर। सीयूईटी पीजी 2023 के सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ को लेकर के लगातार आप सभी की क्वेरीज हैं कि सीयूईटी पीजी के अलग अलग सब्जेक्ट का कट ऑफ क्या जाएगा अलग अलग टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज के लिए। जैसे बीएचयू हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप मोस्ट कॉलेजेस हुए, एससीयू हुआ, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज, जेएनयू भी। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा सीयूईटी पीजी के सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ पर, अलग अलग सब्जेक्ट का कट ऑफ क्या जा सकता है, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ध्यान से और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको लगातार सीयूईटी की हर एक सूचना, जानकारी और अपडेट समय पर और सही जानकारी पहुंचा रहे हैं। इसलिए सारी जानकारी को सही समय पर सही ढंग से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करते हैं सीयूईटी पीजी के अलग अलग एक एक सब्जेक्ट के कट ऑफ को मैं अलग अलग आपको बताऊंगा। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बात, अभी जो मैं आपको कट ऑफ बताने जा रहा हूं ये मैं जनरल कैटेगरी के बिहाफ पर बताऊंगा, यानी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स अगर इतना पा रहे हैं तो उनका हो रहा है। उसी जो कट ऑफ मैं बताऊंगा, अगर आपका कैटेगरी ईडब्ल्यूएस या ओबीसी होगा तो उसमें उसी नंबर में -20 करके आप चल सकते हैं। अगर आपका एससी या एसटी होगा तो उसमें लगभग -40 से -45 मार्क्स आप करके चल सकते हैं, जो मैं जनरल का कट ऑफ बताऊंगा। अगर आप फीमेल होंगी यानी गर्ल्स होंगी तो वो भी जो जनरल का एवरेज कट ऑफ होगा उससे भी आप भी -20 कम से कम कर लीजिएगा। और ये जो मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूं ये आपके बीएचयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप मोस्ट कॉलेजेस और खासकर मेन कैंपस एससीयू वगैरह के लेवल के मैं बताने जा रहा हूं। इसके बाद भी अगर आपका कट ऑफ जो नंबर मैं बताऊंगा अगर उससे कम है, आपके चांसेस बनेंगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, वीडियो के लास्ट तक मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। बात करते हैं एक एक सब्जेक्ट का, और वीडियो एकदम शुरू से ही इंपॉर्टेंट था, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो लोग अगर स्किप करके वीडियो देख रहे होंगे तो शुरू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चीजें भी सुनने लायक हैं। तो अगर आपने स्किप करके वीडियो देखा है तो शुरू से देख लीजिए। तो सबसे पहले बात करेंगे एमए इंग्लिश की। अगर एमए इंग्लिश में आपका 235 प्लस के मार्क्स आ रहे हैं, लगभग 235 प्लस अगर मार्क्स आ रहे हैं, ये मैंने डाटा तैयार किया हुआ है अलग अलग रिव्यू के हिसाब से, पेपर रिव्यू के हिसाब से और स्टूडेंट्स ने क्या किया है इसके अकॉर्डिंग, पेपर के लेवल को भी देखते हुए और स्टूडेंट्स के रिव्यू को भी देखते हुए, तो अगर 235 प्लस आ रहा है तो आप किसी न किसी बड़े विश्वविद्यालय के अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं, चाहे मेन कैंपस में उसके, चाहे किसी अच्छे कॉलेज में। ये हो गई बात एमए इंग्लिश की। एमए हिस्ट्री में अगर आपका 215 प्लस आ रहा है, लगभग 215 प्लस अगर आप पा रहे हैं तो आप एकदम बेटर कंडीशन में होंगे, इससे बढ़िया आ रहा है तो आप बहुत ही बेटर कंडीशन में हैं। ज्योग्राफी वाले, जो एमए ज्योग्राफी वाले हैं, वो 210-15 वो भी अगर प्लस जा रहे हैं तो आप एक सेफ पोजिशन में होंगे, अच्छे पोजिशन में होंगे। एमए हिंदी की बात करें तो 240 प्लस अगर आप जा रहे हैं इस बार तो आप सेफ पोजिशन में हैं, क्योंकि इस बार पेपर जो है थोड़ा सा कठिन था, तो 235-40 जो है वो आपको कहीं ना कहीं बढ़िया जगह एडजस्ट कर देगा एमए हिंदी में। उसके बाद एमए इकोनॉमिक्स की बात करें तो 220 प्लस मार्क्स जाने की संभावना है, लगभग 220 प्लस आपको बढ़िया जगह एडमिशन मिलने की पूरी संभावना है। एमए साइकोलॉजी की बात करें तो लगभग 230 प्लस आपका आ रहा है तो आप एक बेटर पोजीशन में होंगे किसी न किसी अच्छे विश्वविद्यालय में या फिर किसी अच्छे विश्वविद्यालय के अच्छे कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए। एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए 240 प्लस, एमए फिलोसफी के लिए 185 प्लस, एमए एंशियंट हिस्ट्री के लिए 215 प्लस, एमए सोशियोलॉजी के लिए लगभग 240 प्लस, उसके बाद एमए संस्कृत के लिए लगभग 225। ये मैंने एक टॉप मोस्ट एमए कोर्सेज की बात की जिसका एनालिसिस हमने कुछ दिन पहले किया है और उसका डाटा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये हो गया कट ऑफ की बात। जो मैंने कट ऑफ बताया वो मैं आपको बता दूं कि ये मैंने जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग बताया। अगर आपका ईडब्ल्यूएस या ओबीसी है तो -20 कर लीजिएगा, जो मैंने मार्क्स बताए। एससी या एसटी है तो -40 भी आप कर सकते हैं, यानी अगर उतना भी मार्क्स आपका आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाएंगे। -20 अगर करेंगे फीमेल होंगी तो आपके लिए भी मौका बनेगा। इसके अतिरिक्त मैं आपको और भी बातें अगर बता सकूं तो बहुत सारे ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पर वहां के लोकल स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, जैसे हरियाणा में हो गया, जैसे आपका गुजरात में भी चांस बन जाएगा, आपका जम्मू कश्मीर में चांस बन जाएगा, ऐसी बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं तो वहाँ पर भी आप लोग बात एडमिशन ले सकते हैं इससे कम मार्क्स पर भी। ये तो जो मैंने मार्क्स बताया ये आप अच्छे विश्वविद्यालय में। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर जेएनयू का क्या जाएगा, तो जेएनयू देखिए जेएनयू एडमिशन लेता है 75 क्वेश्चंस में और मैंने आपको कट ऑफ बताया 100 में, तो जेएनयू के लिए मुझे अलग से आपके लिए कट ऑफ बताना पड़ेगा। तो अगर आपको जेएनयू का कट ऑफ जानना है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा किस किस सब्जेक्ट का जानना है, तो उस सब्जेक्ट का मैं एनालिसिस करके थोड़ा सा प्रीवियस कट ऑफ देख करके पेपर देख करके उसके अकॉर्डिंग फिर से एक नया डाटा आपके लिए तैयार करूंगा। ओके, और साथ ही साथ जो सब्जेक्ट का मैंने कट ऑफ नहीं बताया, फॉर एग्जाम्पल बीएड हो गया,
LLB हो गया, MSc फिजिक्स हो गया, MSc केमिस्ट्री हो गया, MSc के अलग अलग सब्जेक्ट्स हो गए, MSc एग्रीकल्चर हो गया। अगर आपको इसका कट ऑफ जानना है तो अभी चूंकि हमने इसका स्टूडेंट का पूरा रिव्यू निकाला नहीं है, इसलिए हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म का लिंक दे रहे हैं। उस फॉर्म में आपसे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं उस एनालिसिस को भरने के लिए, ताकि हम उसकी एनालिसिस प्रॉपर निकाल सके कि हाँ स्टूडेंट कितना लगभग सही कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो भी डाटा बनाते हैं वो स्टूडेंट्स के रिव्यू के आधार पर और पेपर के लेवल को देख करके ही बनाते हैं। तो वो चीज़ आप जरा उस फॉर्म को भर दीजिएगा जिनके सब्जेक्ट का कट ऑफ मैंने इस वीडियो में नहीं बताया। आगे आने वाले वीडियो में मैं सेकंड वीडियो दूंगा कट ऑफ का, तो उसमें आपके सब्जेक्ट की चर्चा जरूर होगी। और नेक्स्ट वीडियो जो भी आपकी क्वेरी होगी कमेंट बॉक्स में उसके आधार पर आपको मिलेगा, चाहे अगर किसी भी यूनिवर्सिटी के कट ऑफ को लेकर के या फिर मिनिमम कितना मार्क्स जा सकता है अगर ये भी पूछना चाहते हैं जरूर उसके लिए भी वीडियो आएगा, जिस प्रकार का वीडियो आपको चाहिए। फिलहाल अभी जितनी आपकी जरूरत थी, जो आपकी आवश्यकता थी कि सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ जो है, खासकर जो मेन एमए कोर्सेज हैं उनके कट ऑफ को लेकर के, तो आपको मैंने बता दिया। आगे आने वाले वीडियो में मुझे LLB का बताना है, BEd का बताना है, और भी सब्जेक्ट के लिए जो फॉर्म में आप लोग भर देंगे, जो फॉर्म नीचे दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बता देंगे। वीडियो कैसा रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपने मार्क्स भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि उसके अकॉर्डिंग और भी एनालिसिस आगे चलती रहे। ये एक एक्सपेक्टेड और अनऑफिशियल कट ऑफ था जो हमने आपको एक संभावना के तौर पर बता दिया। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार थे तो, और वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एक बेहतरीन कट ऑफ मैंने तैयार किया और बहुत ही एनालिसिस करके, ऐसा नहीं है कि रैंडमली ऐसे ही उठाया और बता दिया। ये हमने प्रीवियस भी कट ऑफ देखे हैं, ये हमने इस साल का पेपर भी देखा है, और स्टूडेंट्स ने क्या परफॉर्म किया है इसको भी हमने देखा है, और इन तीनों चारों समीकरण को देखते हुए हमने इस कट ऑफ एनालिसिस को बनाया। संभवतः यही कट ऑफ लगभग जाएगा भी BHU के लिए, मेन कैंपस के लिए, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप मोस्ट कॉलेजेस के लिए। इंतजार करते हैं, जैसे ही ऑफिशियल कट ऑफ आएगा उसकी अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल आप सभी को जो भी क्वेरी होगी कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।